हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू क्वर्की वीडियो। अब मौसम थोड़ा सर्द होने लगा है दिल्ली में, तो आपको पता है कौन सी वीडियो आने वाली है। इट इज सरोजनी नगर की विंटर कलेक्शन। सो दिस इज द सरोजनी नगर के साउथ विंग का गेट नंबर 3, जहां से मैं एंटर करती हूँ। ये गेट सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है। सो आप यहाँ डायरेक्ट मेट्रो से भी आ सकते हो या फिर यहाँ पे स्टॉप लगा के अपनी उबर या कैब से उतर सकते हो। इस गेट में एंटर करते ही आपको लेना है एक राइड, जहाँ पे आपको ढेर सारे स्टॉल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एज यू कैन सी, विंटर कलेक्शन फुल स्विंग में आ गई है दिल्ली में और सरोजनी नगर में। आई मीन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्वेट शर्ट्स एंड जंपर्स अलग अलग ब्रांड्स की फॉर 200, 300 एंड 400 रुपीज। अलग अलग यूनिकॉर्न वाले पैटर्न्स भी थे। शुरू में भी आपको ज्वेलरी की थोड़ी शॉप्स दिख जाती है, बट ये एंटी टार्निश नहीं होती, सो आई अवॉइड बाइंग दैम। मैंने पहले ली थी और वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं निकली थी, बट डेफिनेटली हेयर क्लिप्स और बैंड्स के मामले में आप यहाँ से शॉप कर सकते हो। देन आगे चलते चलते आपको ओम ऑप्टिकल्स दिखेगा, जहां से आपको इस गली में एंट्री लेनी है लेफ्ट की तरफ। एंड यहाँ शुरू शुरू में स्टॉल्स लगे होते हैं सॉक्स वगैरह के, सो इफ यू आर इनटू फजी एंड क्यूट एंड स्नगली सॉक्स तो आप यहाँ से ले सकते हो। मेंस वेयर भी यहाँ पे इस बार बहुत सही आया हुआ था, निटेड जंपर्स एंड स्वेटर्स मिल रहे थे, विच वाज अमेजिंग। आई रियली वांटेड टू बाय समथिंग फॉर माय डैड और रवि एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हो 100-200 रुपए की ड्रेसेस और शर्ट्स, लाइक थोड़ी थोड़ी समर कलेक्शन अभी भी बाकी थी। यहाँ पे थोड़ी वुलन टाइप की ड्रेसेस भी आने लगी थी। एंड दिस जीन्स हैड माय हार्ट, ये मैंने अर्बेनिक से ली थी एंड यहाँ सरोजनी नगर में सेम मुझे ब्लैक कलर की टंगी हुई मिली। अ लॉट ऑफ ट्रेंच कोट्स वर देयर इस बार सरोजनी नगर में। मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोट्स अवेलेबल थे, जैकेट्स अवेलेबल थी। एंड ये एक स्पेसिफिक शॉप थी, विच वॉज शॉप नंबर 104, जहां पे 200-200 रुपए के इतने सही ट्रेंच कोट्स मिल रहे थे स्पेसिफिकली फॉर ऑटम सीजन। लाइक जो काफी मोटे वुलन कोट्स होते हैं ना, वो आपको आगे जाके मिलेंगे, बट शुरुआत में ऑटम सीजन के लिए, अक्टूबर नवंबर वाले सीजन के लिए। एंड इफ यूर समवन जहां आपके स्टेट्स में या बाहर से आए हो दिल्ली, इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर यू। आई रियली लाइक दिस रेड वन। आई थिंक कलर्स आर समथिंग जिनके साथ मैंने ज्यादा सर्दियों में ना एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो इस बार मैं थोड़े ओपन माइंड से गई थी कि न्यूट्रल्स एंड ब्राउन टोन्स के अलावा भी कुछ कलरफुल में देखूं। एंड इसकी जो फैब्रिक था ना, वो थोड़ा डेनिम में था, रेड कलर का डेनिम वॉज समथिंग सो स्पेशल एंड बिल्कुल परफेक्ट फिट का मुझे आ रहा था। एंड सिर्फ 200 रुपए का था, सो यू नो वॉट आई डिड, आई बॉट इट। एंड बाकी का जो हॉल वगैरह होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी, पार्ट टू ऑफ सरोजनी नगर। बट यस, देयर वॉज अनदर शॉप जहां 150 के स्टॉल्स लगे हुए थे। 104 शॉप के आगे ही ये दोनों स्टॉल लगे हुए थे एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कोट्स एंड शर्ट कोट्स मिल रहे थे। वन ऑफ देम वाज दिस वन। इसमें मुझे इतनी सुंदर वाइब आ रही थी बिकॉज यहाँ बटन्स पे ना ऐसे फ्लावर्स लगे हुए थे, अंदर प्यारा सा ऐसे चेकर्ड गिंगम प्रिंट सा था एंड इसका पीटर पैन टाइप का कॉलर था। अगेन इसकी फिटिंग और जो कट एंड सुइंग वगैरह थी वो मेरी बॉडी पे परफेक्ट लग रही थी। एंड ये क्योंकि सिर्फ 150 का था, आई वाज रियली सरप्राइज। एंड यू गाइस कैन सी अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग ऑफिस कैजुअल टाइप की भी चीजें यहाँ पे मिल रही थी। सो इफ यू हैव एन इवेंट कमिंग अप जहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मल लगना है बट यू स्टिल वॉन्ट टू बी अ लिटिल फेस्टिव एंड क्लासी एंड स्पेशल, आप यहाँ पे आके बहुत अच्छे अच्छे ब्लेजर्स एंड शर्ट स्कोर कर सकते हो। नाउ अनदर शॉप वॉज दिस वन। दिस इज शॉप नंबर 191, जहाँ आप देख सकते हो 100 रुपए की सेल का स्टॉल लगा है। एंड ये पिंक कलर का जंपर मुझे इतना पसंद आ रहा था। दिस इज अ क्रॉप जंपर जो हाफ जिप अप में है एंड दिस गेव मी सच अ बार्बी वाइब। मेरे पास ऐसे टाइप का कोई जंपर नहीं था, बट अगर आपको क्रॉप जंपर्स नहीं पसंद, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स में एंड डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट में बहुत प्यारे स्वेटर्स भी मिल रहे हैं, वेस्ट भी मिल रहे हैं। एंड 100 रुपए में यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी। अ लॉट ऑफ यू गाइस आस्क मी निटेड स्वेटर्स कहाँ से मिलते हैं, तो ये शॉप नंबर जो है 191, यहाँ पे आप जरूर आ सकते हो। एंड ऑफकोर्स यहाँ से भी हमने कुछ परचेज किया। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टोल्स और मफलर्स की तरफ। ये मेरी एक नई ऑब्सेशन है, मुझे इस साल ना बहुत अच्छे अच्छे स्टोल्स के साथ अपनी नेक एक्सेसरी बनानी है एंड स्टाइल करना है। एंड वन सच थिंग आई फाउंड वॉज दिस वन, जो बहुत ही प्यारे पेस्टल से पिंक कलर में था, नीचे फ्रिंजेस थे, बट द बेस्ट पार्ट वॉज नीचे के जो बॉर्डर्स होते हैं ना, वहां पे बहुत प्यारे प्यारे पर्ल्स लगे हुए थे। सो आई रियली लाइक्ड इट। एंड ये वाली जो 150 पिंक स्टोल वाली शॉप थी, ये है शॉप नंबर 107 के आगे। मैं ज्यादातर थड़ियों से ही शॉप करती हूँ बिकॉज अंदर जाके प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, विच वॉज वन सच शॉप। सो जो शॉप नंबर 107 है ना, उसी के अंदर हम घुस गए मेन शॉप के अंदर। एंड वहां मेरी मॉम थोड़े से ऐसे कोट्स ट्राई कर रही थी अपने लिए, जो वो सूट्स वगैरह के ऊपर स्टाइल कर सके। शी ट्राइड अ ब्राउन वन, शी ट्राइड अ ग्रे वन, बट परफेक्ट फिट का कोई नहीं आ रहा था। कुछ लूज था, कुछ टाइट था एंड हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो देन आई स्टार्टेड शॉपिंग फॉर माई सेल्फ। एंड ये लॉन्ग शैकेट टाइप का श्रग मैंने देखा, बट ये ना कंधों में बहुत ज्यादा ढिलक सा रहा था एंड लूज लग रहा था, सो मुझे फील एकदम नहीं आ रही थी। सो देन मेरी मम्मी ने जो पीछे एक ब्राउन टाइप का कोट ट्राई किया ना, वो उनको थोड़ा टाइट था, सो आई थॉट मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। एंड मेरी इस लुक के साथ ये परफेक्ट जा रहा है। आई फील लाइक दिस इज टेलर मेड फॉर मी, लाइक कंधों से भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। सो एज आई टोल्ड यू गाइज, ये जो ट्रेंच कोट्स
की शॉप थी ये 107 थी, बट अगर आप शॉप से लोगे तो आपको 100 रुपए की चीज नहीं मिलेगी। ये वाले बार्गेन करने के बाद बोनी के टाइम पे मुझे 350 रुपीज के ट्रेंच कोट मिले। एंड यू गाइस कैन सी इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, कैमल कलर के, ऐसे ट्वीड टाइप की, जो शनैल ऐसे ब्रांडेड जैकेट्स होती है ना वैसे टाइप की वाइब वाली थी, डेनिम में थी एंड बहुत अच्छे अच्छे बुकले फैब्रिक में। ये विंडशील्ड वाली वाइब भी थी जिसमें आपको वाटर रेजिस्टेंट वाला फैब्रिक मिलता है। तो वैरायटी की तो सरोजनी नगर में बिल्कुल कमी नहीं है। देन वी वेंट टू दिस शॉप जहाँ पे मुझे बहुत प्यारी प्यारी जीन्स मिल रही थी। एंड इस टाइम मैंने सोचा आप लोगों को वैरायटी दिखाने के लिए ना शॉप के अंदर से भी शॉप करके देखते हैं रादर देन जस्ट थडीज। तो ये है शॉप नंबर 189 एंड यहाँ पे आपको लेडीज जीन्स मिलती है, जेगिंग्स मिलती है, बट इनका रेट थोड़ा हाई होता है, हाँ 700-800-900 तक का। तो अगर उतना बजट हो तो आप जरूर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉल्स और थड़ियों की तरफ। माई फेवरेट पार्ट, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हाई नेक्स भी मिल रहे थे विच आई थर्ली एंजॉयड, बहुत ही प्यारे न्यूट्रल कलर्स में थे। 200-200 रुपए के यहाँ पे जैकेट्स एंड कोट्स मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कमी है ही नहीं किसी भी चीज की। लाइक लुक एट दिस ब्यूटिफुल डीप पीकॉक ब्लू वन, ये इतना प्यारा था बट मेरे साइज का नहीं था। एंड दिस जैकेट गिव्स अ गुची शनैल वाली वाइब जो मैंने बाहर के यूट्यूबर्स को बहुत पहने देखी है। नाउ वन सच शॉप वॉज दिस जहाँ पे 150 रुपीज का स्टॉल लगा हुआ था एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे डिजाइन के जंपर मिल रहे थे। लाइक यहाँ पे ऐसे लीव सा बना हुआ था जिसके अंदर मोती थे, देन ये पर्पल कलर का एक था जिसके अंदर ना ब्राउन थ्रेड्स की एम्ब्रॉयडरी थी। एंड आई ऑल्सो फाउंड अ लॉट ऑफ शॉप्स जहाँ पे 500-500 रुपए की ना जारा की शैकेट्स मिल रही थी, बट आई हैव अ डाउट क्योंकि जारा की जो मेरे पास शैकेट्स है ना ओरिजिनल वाली, उनमें साइड में पॉकेट्स होती हैं, बट इन शर्ट्स में बिल्कुल भी कहीं पे साइड में पॉकेट्स नहीं थी। एंड दिस इज मी बीइंग पिस्ड ऑफ कि यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि ओरिजिनल जारा की शैकेट्स हैं, बट इफ यू आर ओके विद द लुक आप जरूर ले सकते हो, सरोजनी नगर में इजिली मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉल जहाँ पे विंटर की ऐसी वुलन स्कर्ट्स मिल रही थी। आई रियली वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद माई स्टाइल इस विंटर ना, मैं पहनना चाहती हूँ कुछ स्कर्ट्स, कुछ ड्रेसेस अंदर लेगिंग्स एंड बूट्स के साथ। सो ये वाली जो शॉप थी 200 की स्कर्ट्स की, ये थी शॉप नंबर 185 के सामने थड़ी। एंड यहाँ से आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें स्कोर कर सकते हो, हर लेंथ की चीज थी, लंबी थी, बड़ी थी एंड बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिजाइन थे। 200 रुपए में नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल यू गाइज। इसके अलावा आपको बीच में थोड़े थोड़े समर आइटम्स भी दिख जाएंगे, बट टू बी ऑनेस्ट यू गाइज नवंबर आ गया है, दिसंबर आने को है, तो बिल्कुल कमी नहीं मिलने वाली है आपको विंटर आइटम्स की। लाइक पूरा सरोजनी नगर ना तब्दील हो चुका है विंटर वंडरलैंड के अंदर। एंड वन सच शॉप जहां से मुझे कुछ समर का मिल पाया वॉज दिस इंसेंस के नीचे शॉप नंबर 200। तो यहाँ पे ना 50-50 रुपए की बिकिनीज मिल रही थी, टू पीसेज एंड सेट्स वगैरह। एंड ये अगर आप फुल स्विम सूट लेना चाहो तो ये 100-200 रुपए के बीच में मिल जाता है। नाउ आई डोंट नो इफ दीज आर यूज, मे बी प्रोबेबली एक बार किसी ने पहन के रख दिया या एक्सपोर्ट सरप्लस है क्या है, बट दीज लुक्ड एज गुड एज न्यू। कोई भी किसी चीज से बदबू नहीं आ रही थी, सब धुली हुई अच्छी सी थी एंड दे लुक ब्रांड न्यू, लाइक एक भी फ्रेड थ्रेड नहीं था। आई एम प्लानिंग अ बीच वेकेशन तो उसमें ये जरूर काम आएगी एंड ये सिर्फ 50 रुपीज की थी। देन मूविंग ऑन टू शॉप नंबर 115 जहां पे बहुत सुंदर बुहो बैग्स मिल रहे थे, लाइक बैक पैक्स एंड टोट बैग्स। तो अगर आपको ऐसे जूट या अलग अलग फैब्रिक वाले बैग्स चाहिए आप यहां से जरूर शॉप कर सकते हो। आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड दे वर क्वाइट इनएक्सपेंसिव। चलते चलते हम आ गए हैं, आप राइट साइड में देखोगे ग्रफिटी लेन आ गई है जो कि बिल्कुल सुनसान हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ एक शॉप अलाउड है ट्रेंच कोट्स की, विच आई डिड नॉट लाइक। तो मैं सरोजनी नगर के ऑपोजिट वाली गली में आ गई जहाँ पे दुर्गा मंदिर होता है। सो ये दुर्गा मंदिर आपको दिख रहा है, वहां की साइड में बहुत प्यारी एक शॉप है जहाँ पे कोऑर्ड सेट्स मिलते हैं एंड बहुत चमकीले चमकीले सीक्वेंट टॉप्स मिलते हैं। इफ यू आर अ पार्टी गर्ल यू मस्ट गो हेयर, नहीं तो आप मेरी तरह कोऑर्ड सेट्स भी लेके खुश हो सकते हो, 250 रुपीज के मिल रहे थे। नाउ मूविंग ऑन टू क्या क्या आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो सरोजनी नगर में। एम्ब्रॉयडर्ड जंपर्स होते हैं, निट स्वेटर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 100, 150, 200 इतने तक की रेंज में मिलेंगे, लाइक 300 तक तो जाना ही नहीं है भैया। एंड अगर आप ज्वेलरी की बात करो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नई कलेक्शन तो इस बार नहीं थी नवंबर में, लेकिन सेम ओल्ड अगर आपको चोकर्स चाहिए, कुछ पर्ल में चाहिए, कुंदन में चाहिए, तो ढेर सारी वैरायटी अवेलेबल थी। 150 से 350 तक का रेट जाता है एंड ये वाले इयररिंग्स भी आपको 200-300 तक में मिल जाएंगे। कुछ कुछ इयररिंग्स जो बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं वो 100-150 रुपए के भी मिल जाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी भी इस बार ज्वेलरी की कलेक्शन अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा सिर्फ विंटर की क्लोथिंग शॉपिंग करने का ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 100-100 रुपए के स्वेटर वेस्ट मिल रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे कार्डिगन्स भी मिल रहे हैं। ये वाला जो ठेला है ना, ये है ऑपोजिट पूर्णिमा सारीज करके जो एक शॉप है, वो बिल्कुल आपको इसके ऑपोजिट मिलेगा। एंड ऐसे टाइप के ग्रैंडमा वेस्ट एंड स्वेटर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड कुछ ऐसे प्लेन टाइप की सॉलिड चीजें जो आप जैकेट्स के अंदर पहन सकते हो। सो ये देखो पूर्णिमा साड़ी के बिल्कुल ऑपोजिट ये शॉप थी। नाउ मूविंग ऑन टू दिस शॉप जहां मम्मी अंदर घुस के बहुत अच्छे अच्छे और वेस्ट ट्राई कर रही थी एंड मेरी मम्मी ने भी एक लिया क्योंकि वो ब्रह्मा कुमारी जाती हैं एंड उनको व्हाइट
कलर के स्वेटर वेस्ट की जरूरत थी अपनी विंटर कलेक्शन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने थोड़े बैग्स देखे, थोड़े सनग्लासेस देखे। आई रियलाइज कि मेरे पास एक ओवर साइज पेयर ऑफ सनग्लासेस नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। बट इफ योर बजट इज 100-150 मैक्स तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सनग्लासेस मिल जाएंगे। एंड सरप्राइजिंगली इस बार बीच बैग्स एंड फोन कवर्स की भी अच्छी कलेक्शन थी। बहुत सारे ऐसे मल्टी पोशेट टाइप के बैग्स आ रहे थे जिसमें साइड में कॉइन पर्सेस मिलते हैं। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो मैंने रिसेंटली रियलाइज किया सरोजनी नगर में। बट अभी तक आप लोग देख सकते हो मेरे बैग कैसे फुल हो गए हैं और हमारे हाथ पूरे टूटने लगे थे यू गाइस। तो बस मैं तो अपने शॉपिंग करके सरोजनी नगर को टाटा बाय बाय करने ही लगी थी। बट देन आई केम अक्रॉस अनदर शॉप जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वुलन वेस्ट ड्रेसेस मिल रही थी। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि अभी जापानीज कल्चर एंड कोरियन फैशन, क्योंकि आजकल लोग इतना ज्यादा के ड्रामा में इंटरेस्टेड होने लगे हैं तो ऐसे टाइप की वेस्ट ड्रेसेस बहुत पॉपुलर होने लगी ऐसे चेकर्ड डिजाइन में एंड प्रिंट्स में एंड सॉलिड कलर्स में भी। ज्यादातर न्यूट्रल्स ही होते हैं या फिर कुछ बहुत ही चटक पिंक होता है। तो वन सच ड्रेस आई फाउंड इन दिस ग्रे कलर जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड कैन यू गाइस बिलीव इट, इतनी प्यारी प्यारी एकदम वुलन स्वेटर वेस्ट ड्रेसेस आपको सिर्फ ₹100 में मिल रही थी। दिस ब्राउन कलर वॉज ऑल्सो रियली रियली अमेजिंग, लाइक जस्ट स्टाइल इट विद अ बेल्ट एंड अ ट्रेंच कोट, यू विल फील लाइक यू आर इन अ के ड्रामा। बट दिस शॉप वॉज शॉप नंबर 65। नहीं अगर समझ आते शॉप नंबर तो श्रृंगार प्लस शॉप के एकदम नीचे आप देख सकते हो राइट साइड में आपको ये पूरा स्टॉल मिल जाएगा जहाँ बहुत अच्छी अच्छी वुलन ड्रेसेस आपको मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेंस वेराइटी के लिए बहुत अच्छी अच्छी पफर जैकेट्स देख सकते हो। यू कैन सी यहाँ 250 की अच्छी अच्छी जैकेट्स मिल रही हैं। बस एक बार घर जाके धो के प्रेस करने की जरूरत है एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कूल जैकेट्स ऑल्सो फॉर 250 rupees। ये वाली शॉप ना मुझे बहुत प्यारी लगी, यहाँ पे पर्ल्स वाले क्लिप्स मिल रहे थे एंड हेयर एक्सेसरीज मिल रही थी। इफ यू आर अ फैन ऑफ पर्ल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल ज्वेलरी तो आप यहाँ शॉप नंबर 70 कमल ज्वेलर्स के नीचे देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा स्टॉल है जहाँ पे ब्रेसलेट्स इयररिंग सब कुछ मिलता है। लाइक लुक एट दिस ब्यूटिफुल शेल इयररिंग्स, आई फील लाइक द बीच वेकेशन आई एम गोना टेक उसमें ये वाले इयररिंग्स बहुत काम आएंगे एंड ऑब्वियसली आई बॉट इट। सो दिस इज कमल ज्वेलर्स और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्टॉल आपके लिए बिछा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। यू गाइस कीप आस्किंग मी मैं बाथरूम्स कहाँ से लाती हूँ, तो शॉप नंबर 62 सूर्या ट्रेडर्स की राइट साइड पे आपको दिख जाएगी। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस ताकि किसी को बाथरूम चाहिए हो तो वो पक्का पक्का ले सके। लाइक यू कैन सी यहाँ पे 90 rupees तक की स्वेट शर्ट भी मिल रही है एंड बहुत अच्छे अच्छे हाई नेक्स भी मिल रहे हैं जो कि आप जैकेट्स के नीचे लेयरिंग में यूज कर सकते हो व्हेन द ट्रू 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 विंटर कम्स, जब बिल्कुल ही कुल्फी जम जाती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस कलेक्शन भी थी 250 rupees में, आपको हुडीज मिल रही थी, वेस्ट मिल रहे थे, स्वेटर वेस्ट मिल रहे थे। एंड यहाँ पे इंक बाय अब्रोल सन्स करके एक शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्टी आउटफिट्स भी मिलते हैं। बट इंक बाय अब्रोल सन्स के बिल्कुल ऑपोजिट रोड क्रॉस करके एक पूरी ऐसी गली गुफा सी है जहाँ पे और प्यारे ट्रेंच कोट्स एंड बहुत प्यारे प्यारे ऐसे शॉल वाले पॉन्चोज मिलते हैं जिसके बीच में आप ना ऐसे बेल्ट डाल के बहुत प्यारा इसको स्टाइल कर सकते हो लाइक अ काफ्तान। एंड इसके अंदर और गली में आप आते जाओगे तो कुछ कुछ समर आइटम्स एंड ड्रेसेस भी दिखेंगी, कुछ कुछ विंटर मिक्स स्टफ भी होगा। सो इस गली में जो अब्रोल सन्स के ऑपोजिट है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिक्स कलेक्शन मिलती है हर सीजन के लिए। एंड यहाँ से आप बाहर आते जाओगे तो 30-30 rupees की इयररिंग्स भी मिलेंगी। तो भाई हमारी तो सरोजनी नगर शॉपिंग हो गई है पूरी। एज यूजुअल वी हैड टू गेट अ स्नैक, सो माय मॉम हैड राम लड्डू एंड एक हमने पैक करा लिया एंड माय शॉपिंग इज डन। नाउ सरोजनी नगर इज अ रियली क्राउडेड प्लेस, आई वेंट ऑन अ ट्यूजडे पर फिर भी इतना ज्यादा ट्रैफिक और इतनी ज्यादा भीड़ थी। सो इट्स बेटर कि आप डॉट 11 बजे पहुंच जाओ और 12 बजे तक अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। लेट मी नो इफ यू गाइस वांट टू ट्राई ऑन हॉल। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।